संसदीय कार्यवाही ठप करके कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। कांग्रेस नहीं चाहती संसदीय कार्यवाही चले, इस बात को लेकर भाजपा धरने प्रदर्शन पर, वहीं कांग्रेस विधायक धरना स्थल पर फल फूल लेकर पहुंचे। पिछले दिनों देश में घटी घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर तो हल्ला मचाया, लेकिन उसने संसद में कार्यवाही नहीं चलने दी। कांग्रेस जानती थी संसद में कार्यवाही होने पर देश के सामने नीरव मोदी घोटाले का सच सामने आ जाएगा। कांग्रेस ने संसदीय कार्यवाही ठप करके देश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। इसी बात को लेकर पूरे देश के साथ रीवा में भी भाजपा ने एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया। उपवास का नेतृत्व भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा ने किया। रीवा कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा से रीवा दर्शन ने खास बातचीत की। ये बजट सेशन के 8-2 में जब लोकसभा प्रारंभ हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी ने पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले को लेकर के चर्चा की मांग की थी। लोकसभा अध्यक्ष जी ने चर्चा की मांग स्वीकार की, सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चर्चा करने के लिए बार बार पीछे मुंह मोड़ना शुरू किया और प्रतिदिन लोकसभा को ठप किया। चर्चा नहीं होने दी, चर्चा न होने देने, चर्चा से भागने का कारण था कि पंजाब नेशनल बैंक या दूसरे बैंकों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनके रिजीम में जिस तरह के घोटाले हुए हैं, वो सारी चीज़ें सामने आती, और सारी चीज़ें सामने आने के बाद कांग्रेस नंगी हो जाती। इस कारण से वो लगातार संसद को ठप करती रही, एक दिन भी संसद चलने नहीं दिया। और लोकतंत्र के लिए जो एक मंच था देश को जानने के लिए, देश में हो रहे इस तरह के घोटालों के लिए, बैंकों की कार्यप्रणाली इस चर्चा से सुधरती, सारे अच्छे बुरे तर्क आते, सुझाव आते, उसके आधार पर बैंकों के सिस्टम में सुधार होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ करके ये होने नहीं दिया, क्योंकि उसमें वो सब नंगे हो जाते, एक एक नेता वहाँ सब फंसा हुआ है घोटालों में, बैंक के कर्जों में। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि भाई अगर हमारी बात ये संसद में नहीं होने देते, सरकार का काम संसद में नहीं चलने देते, तो फिर सरकार को की मंशा और सरकार की स्थिति और लोकतंत्र की कांग्रेस द्वारा की गई हत्या की जानकारी जनता को देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा, हम लोगों ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि जितने दिन कार्यवाही नहीं चली है संसद सदस्य उसका वेतन नहीं लेंगे। कांग्रेस वालों ने ले लिया, जिन लोगों ने संसद नहीं चलने दी वो सब लोगों ने वेतन ले लिया, भारतीय जनता पार्टी NDA के सांसद वेतन नहीं लेंगे। धरना स्थल पर धरने के दौरान जब सांसद जनार्दन मिश्रा धरने को संबोधित करने के लिए खड़े हुए, तभी वहां पर एक रोचक नजारा देखने में नजर आया। कांग्रेस के मऊगंज के विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना अनशन तोड़वाने के लिए फल लेकर पहुंच गए। कांग्रेस विधायक को धरना स्थल पर देखकर भाजपा खेमे में खलबली जरूर नजर आई, लेकिन सांसद ने इस बात को सरलता से लिया। वहीं कांग्रेसी विधायक का साफ तौर से कहना था, सब कुछ खा लिया, अब दिखावा किस बात का। आइए सुनते हैं सुखेंद्र सिंह बन्ना धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कह रहे हैं। इस समय देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूरा देश लूट लिया, पूरा प्रदेश सिराज ने 14 सालों में लूट लिया, पूरा रीवा लूट लिया, जमीन खाए, चारा खाए, दूध खाए, सब कुछ खा लिया, जिसके बावजूद शर्म नहीं आती कि उनको ये जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कितना बड़ा देश की जनता को, रीवा की जनता को, प्रदेश की जनता को सिलसिला बना रहे हैं। धन्यवाद। इस तरीके का जो है तो अपाखा भी चल रहा है, बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। तो वही हम आए थे भाई, काहे और कुछ बचा हो तो और खा लो, चलो हम लोग भी फल फूल आपको देते हैं। ये इस तरीके से ये आपको कैसे चाहिए फल फूल? फल फूल भी क्या करें भाई, ये देख रहे हैं कि भाई ये उपवास कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें? हम लोग धरने पर बैठे, हम लोगों का काम है विपक्ष में, तो ये विपक्ष का भी काम ले लिए, और विपक्ष का काम सिर्फ अपने घोटालों को दबाने के लिए इन्होंने विपक्ष का काम ले लिया। अरे जब देश में प्रधानमंत्री की सरकार है, किस बात के लिए उपवास? का मतलब अक्षम हो गया, पूरी तरह से प्रधानमंत्री अक्षम हो गया, सांसद अक्षम हो गया, मुख्यमंत्री अक्षम हो गया। अब वो सारा घोटाला करके अब उसको छुपाने के लिए ये बता रहे हैं कि ये स्थिति।